कुछ मन पहले बेरिन साद और उनके हस्बैंड के नान दोगलू की डाइवोर्स की खबरें तुर्किश मीडिया में गर्दिश कर रही थी, लेकिन बेरिन साद इस न्यूज को कंफर्म नहीं कर पा रही थी कि उनकी डाइवोर्स होने वाली है या नहीं। लेकिन तुर्किश मीडिया उस वक्त ये दावा कर रही थी कि बेरिन साद और केनान दोगलू की बहुत जल्द ही डाइवोर्स होने वाली है। अभी तुर्किश मीडिया इसी बात को डिस्कस कर रहा था कि बेरिन साद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में अपने एक्स बॉयफ्रेंड की बर्थडे बनाई और अपने एक्स बॉयफ्रेंड की याद में एक पोस्ट भी करी। इस पोस्ट के बाद तुर्किश मीडिया में एक हलचल सी मच गई और सब लोगों ने यही कहना शुरू किया कि बेरिन साद की डाइवोर्स बहुत जल्दी होने वाली है। इसके बाद बेरिन साद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक बी का इमोजी रखा जो उनके एक्स बॉयफ्रेंड की याद में था। इन सब के बाद बेरिन साद अपने हस्बैंड केनान दोगलू के साथ बाद में नज़र ही नहीं आई, तो इसलिए तुर्किश मीडिया ने यही खबरें फैलानी शुरू कर दी कि दोनों कपल का डाइवोर्स होने ही वाला है। इसके बाद बेरिन साद अपने न्यू प्रोजेक्ट में बिजी हो गई, लेकिन उनके डाइवोर्स की खबरें अभी ख़त्म नहीं हुई थी। इसके बाद एक नई न्यूज़ आई कि बेरिन साद अपने लिए एक नए घर की तलाश में है। बस तो फिर क्या था, इस खबर के साथ ही लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि बेरिन साद की डाइवोर्स हो चुकी है और वो अपने लिए एक नया घर ढूंढ रही हैं। इसके बाद बेरिन साद का सामना रिपोर्टर्स से हुआ तो रिपोर्टर्स ने उनसे यही सवाल किया कि उनका डाइवोर्स हो चुका है या फिर होने वाला है, जिस पर बेरिन साद ने यही जवाब दिया कि ये इन बातों का टाइम नहीं है और उन्होंने ये भी कहा कि इन बातों के लिए ये सही वक्त नहीं है। इसके बाद सबको यही लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन हाल ही में ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद डाइवोर्स की खबरें दम तोड़ गईं। हाल ही में बेरिन साद के करीबी फ्रेंड का तुर्की में इंतकाल हुआ, जिसके आखिरी रस्मात के लिए बेरिन साद अपने हस्बैंड के साथ आई। ये तमाम तस्वीरें हाल ही में बेरिन साद की ली गई हैं, जिसमें वो अपने करीबी फ्रेंड की आखिरी रस्मात अदा करने के लिए आई हुई हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बेरिन साद अपने हस्बैंड केनान दोगलू के साथ खड़ी हैं और इस तरह इन दोनों कपल्स की डाइवोर्स की खबरें दम तोड़ गईं, क्योंकि अब लगता है कि ये सब एक झूठी कहानी थी जो तुर्किश मीडिया ने फैलाई थी। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, बेल के आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें।